बक्सर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौदा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिन दहाड़े 4,60,000 की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 7 से 8 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधी अचानक बैंक में दाखिल हुए और कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़ी आसानी से मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस जाँच में जुट गयी। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों के पुलिस के साथ बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। SP ने बताया कि जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 4,60,000 की लूट की गई है। SP के मुताबिक 7 से 8 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आया उसके हिसाब से लगभग 4,60,000 की लूट की बात सामने आई है और घटना में अभी तक जो सामने आया है उसके हिसाब से लगभग 7 या 8 लोग घटना में शामिल हुए हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस केस को डिटेक्ट करें। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा स्थित PNB बैंक की शाखा से अपराधियों ने 11,00,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस कुछ खास सुराग पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में भी पुलिस को कब तक कामयाबी हाथ लग पाती है। बहरहाल अपराधियों के हुलिया के आधार पर पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।